हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज देवाशीष और आप देख रहे हैं मेरे एक्सेल यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न एक्सेल। यह एक ऐसा वीडियो जिसमें हम ये सीखेंगे आज कि किस तरह से हम एक कंप्लीट नेम में से फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम को अलग कर सकते हैं एक्सेल में। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये एक लिस्ट ऑफ नेम्स है जिसमें से हमें फर्स्ट, मिडिल और लास्ट नेम को अलग करना है। ठीक है, आमतौर पे क्या होता है कि अगर ये दो फ्रेज वाला नाम होता या फिर तीन फ्रेज वाला नाम होता तो मेरे लिए आसान होता, छोटा सा फॉर्मूला यूज़ करके मैं इसको बना सकता था। लेकिन इसमें क्या है, देखिए पहला वाला नाम जो है वो तीन फ्रेज का है, विथ पहला वाला नाम जो है वो मिडिल नेम के साथ है, मतलब तीन नेम तीन फ्रेज है। और सेकेंड में प्रिया राव ये टू फ्रेज है, मतलब फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, इसमें कोई मिडिल नेम नहीं है। तो इसी तरह का डेटा है मिक्स एंड मैच वाला, तो इसको हम देखेंगे कि कैसे इसको हम बना सकते हैं, अलग अलग नाम को अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, लेट्स गो। ओके, इस फॉर्मूला लिखने से पहले मैं आपको ये बता दूं, एक छोटा सा टिप्स है कि अगर आपको इस तरह का कोई डेटा बनाना हो तो सबसे पहले आप फर्स्ट नेम को बनाइए और उसके बाद लास्ट नेम को बनाइए, स्प्लिट कीजिए। जब भी आपका दोनों नेम स्प्लिट हो जाता है तो मिडिल नेम सबसे लास्ट में बनाइए, क्योंकि अगर ये दोनों नाम स्प्लिट होता है तो मिडिल नेम को स्प्लिट करना आपके लिए बहुत इजी है। तो सबसे पहले फर्स्ट नेम को स्प्लिट करते हैं। इसके लिए लिखेंगे लेफ्ट फार्मूला LEFT, क्योंकि फर्स्ट नेम लेफ्ट हैंड साइड से शुरू होता है, तो ये बहुत ईजी है फर्स्ट नेम को स्प्लिट करना। प्रेस टैब, टेक्स्ट इज दिस, कॉमा, नंबर कैरेक्टर्स। अच्छा, क्योंकि मुझे ये पता नहीं है कि कौन सा नेम कितनी कैरेक्टर्स का है जो फर्स्ट नेम है, तो इसलिए क्या करना पड़ेगा मुझे, ये जो ब्लैंक स्पेसेस है, जो स्पेस है, ये है मेरे लिए एक पॉइंट ऑफ डेटा के जो फर्स्ट स्पेस है वो अगर मिलता है तो वहाँ तक मेरा फर्स्ट नेम ख़त्म होता है। ठीक है, लेकिन अगर सेकंड स्पेस, क्योंकि यहाँ पे एक, इसमें दो स्पेस है, फिर इसमें एक स्पेस है, इसमें दो स्पेस है, तो अगर सेकेंड स्पेस भी हम ढूंढेंगे तो जो फर्स्ट नेम है वो गलत आएगा। लेकिन मुझे चाहिए सिर्फ अमित, फिर प्रिया, फिर प्रकाश, आशीष, महेंद्र, फिर सायन। ओके, तो सिर्फ हम पहला वाला जो स्पेस है उसको सर्च करेंगे। तो राइट, सर्च फंक्शन एस, प्रेस टैब, फाइंड टेक्स्ट। मैं क्या ढूंढना चाहता हूँ कि एक स्पेस मुझे मिल जाए, डबल कोट स्पेस, डबल कोट कॉमा, विद इन टेक्स्ट। ये स्पेस मैं कहाँ पर ढूंढना चाहता हूँ, इस टेक्स्ट के अंदर ढूंढना चाहता हूँ। क्लोज द ब्रैकेट एंड प्रेस एंटर। यस, अब इसको मैं नीचे तक लेके आता हूँ, तो यह है मेरा फर्स्ट नेम, विच इज़ वेरी इजी टू डू, अमित, प्रिया, प्रकाश, लाइक दिस। ओके, तो मेरा फर्स्ट नेम तो स्प्लिट हो चुका है। अब आते हैं लास्ट नेम पे। इस जगह पे मुझे थोड़ा सा आपको दिखाना है कि किस तरह से, अगर ये कॉम्प्लिकेटेड डेटा हो तो उसको किस तरह से हैंडल करना होता है। क्योंकि देखिए, अगर मैं इसको, इसका लास्ट नेम है गुप्ता, लेकिन इस सेकंड रो में इसका लास्ट नेम है राव, लेकिन इसमें दो स्पेस है, इसमें एक स्पेस है। ठीक है, तो इसके लिए थोड़ा सा क्या करेंगे, कैसे फॉर्मूला को लिखेंगे, सबसे पहले इसका लेंथ क्या है वो हम निकाल लेंगे। राइट, लेंथ LEN, प्रेस टैब, दिस सेल, क्लोज द ब्रैकेट एंड प्रेस एंटर। तो 16, ये जो नाम है ये 16 कैरेक्टर का है। इसको मैं नीचे तक लेके आता हूँ, तो ये हर अलग अलग नाम का फुल कैरेक्टर लेंथ है। ओके, अब ये जो 16 है, 9 है, 20 है, जो भी है, इसके साथ स्पेस भी जुड़ा हुआ है। तो अगर मैं इस टोटल लेंथ में से स्पेस को हटा देते हैं, सिर्फ स्पेस को रखते हैं और स्पेस हटा के इसका क्या लेंथ बनता है वो देखते हैं, तो दिस माइनस लेंथ, प्रेस टैब, अब लिखते हैं सब्स्टिट्यूट में, ब्लैंक को हटा दूंगा। राइट, सब्स्टिट्यूट, प्रेस टैब, टेक्स्ट इज दिस, कॉमा, ओल्ड टेक्स्ट वुड बी स्पेस ओनली, डबल कोट स्पेस, डबल कोट कॉमा, न्यू टेक्स्ट मैं कुछ नहीं रखना चाहता, इसको खाली डबल कोट करके ब्लैंक कर देता हूँ, डबल कोट एंड डबल कोट अगेन, क्लोज द ब्रैकेट एंड क्लोज द ब्रैकेट ऑन लेन फंक्शन। ओके, नाउ प्रेस एंटर, डबल क्लिक एंड सेंड दिस डाउन। अब देखिए 2 1 2 1 2 2,
मतलब किसी में दो स्पेस है, किसी में एक स्पेस है, किसी में दो, किसी में एक, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, क्योंकि मुझे ये तो पता चल गया कि कौन सा नेम में कितने सारे स्पेसेस हैं, अब मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ जितने सारा कैरेक्टर आई मीन जो नंबर स्पेस है, जितना सारा काउंट है स्पेस का, उस पर जाके ये सब्स्टिट्यूट मैं करता हूँ। राइट, सब्स्टिट्यूट प्रेस टैब दिस टेक्स्ट कॉमा होल टेक्स्ट, होल टेक्स्ट, होल टेक्स्ट वुड बी स्पेस कॉमा न्यू टेक्स्ट वुड बी, मैं कुछ भी दे देता हूँ ताकि मैं उसको बाद में पहचान पाऊँ, मैं देता हूँ एट द रेट साइन कॉमा क्लोज। ये न्यू टेक्स्ट था ये, अब इंस्टेंस नंबर, क्योंकि इंस्टेंस नंबर मैं ऑलरेडी बना लिया प्रेस F9, तो देखिए दो। अब इसका क्या मतलब है, कंट्रोल सेट, मुझे अगर ये ये ब्लैंक इस टेक्स्ट में मिले तो उसको रिप्लेस कर देना है एट द रेट साइन से, या फिर अब कोई भी साइन दे तो चलेगा लेकिन रिप्लेस कर देगा इसको। अब इसको प्रेस एंटर बंद कर देते हैं, प्रेस एंटर डबल क्लिक करते हैं दिस डाउन, तो देखिए मेरा रिजल्ट क्या आया, अमित कुमार एट द रेट गुप्ता, प्रिया एट द रेट राव, प्रकाश चंद्रा, लेकिन देखिए प्रकाश के बाद एक स्पेस था, लेकिन इसमें क्योंकि दो स्पेस है तो सेकंड वाला स्पेस में जाके रिप्लेस करेगा, एक्चुअली मुझे यही चाहिए था। अब सर्च करते हैं, अब अगर इसको सर्च करेंगे तो कहाँ पे जाके एट द रेट साइन है, लास्ट 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 जो लास्ट नेम है ठीक उससे पहले जाके है सबका। देखिए क्या, देखिए जितने सारे नेम्स यहाँ पे आया है ठीक, उसका जो लास्ट नेम है उससे पहले एट द रेट साइन आया है, तो मुझे सिर्फ उसको इसी का जो नंबर पोजीशन है उसको निकालना है कि कौन से पोजीशन पे एट द रेट साइन है। तो सर्च कीजिए, राइट सर्च प्रेस टैब फाइन टेक्स्ट, में क्या सर्च करना चाहता हूँ, जो मैंने ऑलरेडी पहले दिया था एट द रेट साइन को डबल कोट कॉमा, मैं कहाँ पे सर्च करना चाहता हूँ, मैं जहाँ पे सर्च करना चाहता हूँ मैंने ऑलरेडी इसको बना लिया प्रेस F9, मैं इस नाम के अगेंस्ट में सर्च करना चाहता हूँ, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11, तो मुझे ये नंबर 11th पोजिशन में मिलना चाहिए। क्लोज द ब्रैकेट एंड प्रेस एंटर 11, ठीक है, डबल क्लिक एंड सेंड दिस डाउन, तो 11 6 16 6 15 एंड 10। अब मैं क्या करूँगा, बस मेरा फाइनल जो मेन चीज़ है वो मैंने बना लिया। अब चाहे मैं किसी भी तरीके से इसको इसका राइट नेम बना सकता हूँ, या तो मैं राइट फंक्शन लिख के कर सकता हूँ, या अदरवाइज मैं इसको रिप्लेस फार्मूला भी डाल सकता हूँ, मैं दोनों ही दिखा देता हूँ। अब लिखते हैं राइट स्टैब ऑफ दिस कॉमा नंबर कैरेक्टर्स टोटल लेंथ, क्योंकि टोटल लेंथ में से अगर मैं 11 हटा दूंगा तो जितना बचेगा राइट साइड से गुप्ता ही बचेगा, मतलब उसी का डेटा वो दिखाएगा, टोटल लेंथ माइनस दिस एंड प्रेस एंटर यस गुप्ता बूम, ठीक है, ये मेरा लास्ट नेम बना है। और एक तरीका मैं दिखाता हूँ, इसको हटा देते हैं, रिप्लेस प्रेस टैब, रिप्लेस फंक्शन क्या होता है, ओल्ड टेक्स्ट, ये है मेरा ओल्ड टेक्स्ट कॉमा, मैं नंबर पोजीशन स्टार्ट नंबर मैं कहाँ से शुरू करना चाहता हूँ, ऑफकोर्स मैं शुरू से ही शुरू करना चाहता हूँ, तो 1 शुरू से लेके, अब आता है मेरा कॉमा, अब आता है मेरा नंबर कैरेक्टर्स, कितने सारे कैरेक्टर्स को मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ, मैं तब तक इसको रिप्लेस करना चाहता हूँ जब तक मुझे 11th नंबर पोजीशन में पोजीशन नहीं मिली, और जो कि ये है ऑलरेडी मैंने बना लिया प्रेस F9 ओके, एक स्पेस में हटा देता हूँ, एक इसको हटा देता हूँ, तो अब प्रेस F9 11th, तो एक से लेके 11th तक मुझे रिप्लेस करना है डेटा, कंट्रोल Z। अब जब रिप्लेस हो जाएगा तो मैं क्या चाहता हूँ, न्यू टेक्स्ट क्या आएगा, कुछ भी नहीं, ब्लैंक डबल कोट एंड डबल कोट क्लोज द ब्रैकेट एंड प्रेस एंटर गुप्ता, तो ये दो तरीका मेरे पास है, अब मैं इसे बना सकता हूँ, अब इसको नहीं चाहिए। अब फाइनली मेरा फर्स्ट नेम और लास्ट नेम तो बना है, अब जब ये दो चीज़ बन चुका है, मिडिल नेम बनाना बहुत इजी है, सिंपली राइट मीड फंक्शन मीड प्रेस टैब टेक्स्ट इज दिस कॉमा स्टार्ट नंबर, स्टार्ट नंबर क्या है कि मुझे कुमार जो है ये कुमार कौन सा
पोजीशन पे आता है, मुझे सिर्फ ये जानना है कि ऑफ कोर्स मिडिल नेम हो या फर्स्ट, आई मीन मिडिल नेम और लास्ट नेम हमेशा स्पेस के बाद ही आता है, तो फर्स्ट स्पेस जहाँ पे मुझे मिलेगा वहाँ से लेके मेरा मिडिल नेम शुरू होगा। तो राइट सर्च फंक्शन, प्रेस टैब, व्हाट टू सर्च, स्पेस कॉमा विद इन व्हाट, विद इन दिस टेक्स्ट। सिंपली अगर मैं टोटल लेंथ निकाल लेता हूँ इस पूरा नाम का, जितना सारा लेंथ है उसमें से अगर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम ये दोनों को माइनस कर देता हूँ तो मेरा मिडिल नेम बन जाएगा। दिस इज़ वेरी सिंपल। तो राइट लेन दिस माइनस लेन ऑफ फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, लेन ब्रैकेट, हम यहाँ मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और जाता हूँ एक सेल राइट C2। ओके तो ये लेंथ क्या होगा, प्रेस F9 11 कंट्रोल सेट माइनस लास्ट नेम, लेन ऑफ लास्ट नेम LEN, प्रेस टैब, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और आता हूँ एक सेल लेफ्ट माई हैंड E2, क्लोज द ब्रैकेट। अब देखते हैं प्रेस F9 तो 6। तो हमेशा जितना सारा कैरेक्टर्स होगा टोटल लेंथ में से उसमें से हम फर्स्ट नेम का लेंथ माइनस करेंगे और फिर लास्ट नेम का लेंथ जो है उसको भी माइनस करेंगे, तो ऑटोमेटिकली मेरा उस कैरेक्टर पोजीशन निकल जाएगा जहाँ तक मुझे मिडिल नेम को लेके चलना है। तो कंट्रोल Z नाउ सिंपली प्रेस एंटर कुमार, बूम, ठीक है। तो ये है मेरा फाइनल आंसर, दिस इज हाउ टू स्प्लिट फर्स्ट नेम मिडिल नेम एंड लास्ट नेम। होप यू गाइस एंजॉय द वीडियो। अगर आप इसे इस एक्सेल फाइल को डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करें, और अगर आपको इस वीडियो को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कॉमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल गाइस। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।